जो गलत सीन हुआ ना मेरे साथ वो ये सीन हुआ है, ये चेक करो, दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 भाई जिस तू खुश रहना चाहिए यार, जिसने भी ये काम किया ना, अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई अगर कुछ भी बात होती तो मुंह पे बोलता, बाइक से क्या दुश्मनी दे रही थी। सो भाई फाइनली जो ये सीन था ना, तो भैया बोल रहे हैं इसको कुछ करते हैं। सो भाई फाइनली अपना रैप डन हो गया, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और जो पार्ट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग, आई होप सब एकदम ठीक होंगे। तो गाइस आज का पंप टू फोर ब्लॉगर आ गया है कोई नया ब्लॉग लेके। सो भाई आज मैं जा रहा ना, मतलब जिसने लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसको पता होगा भाई आरसी की क्या कंडीशन हुई थी मिट्टी की वजह से। जिसने नहीं देखा भाई तो वो भी पिछला वाला ब्लॉग जरूर देखो। सो भाई मैं आपको आरसी की कंडीशन दिखाता हूँ कि समय आरसी की कंडीशन हुई क्या है, और एक गलत सीन भी हुआ मेरे साथ, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। सो भाई कंडीशन चेक करो इसकी, क्या कंडीशन बनी है भाई, आगे के टायर देखो भाई, इतनी कीचड़ है इसका, आज तक मैंने इतनी गंदी कभी नहीं होने दी जितनी गंदी आज है। आप देख सकते हो भाई पूरा का पूरा कीचड़ 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 है, इसके आगे पीछे हर साइड कीचड़ ही कीचड़ है, पूरी मतलब की लथपथ हो गई है भाई कीचड़ से, इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है ना मैं बता नहीं सकता आपको। और सबसे पहले इसको करवाएंगे वॉश, उसके बाद जाएंगे सिटी और देखते हैं क्या सीन रहता है। भाई जो गलत सीन हुआ ना मेरे साथ वो ये सीन हुआ है, ये चेक करो, दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 भाई जिस किसी ने बंदे ने, मैंने ये रोड के साइड रोड साइड पार्क की थी, बंदे ने इसका किसी नुकीली चीज़ से ना इसका पेंट ही निकाल दिया भाई। तो यार कोई भी बात होती भाई, एक ऐसी चीज़ है ना भाई ये रिकवर नहीं होती, मैं मतलब कि इजिली ठीक नहीं होगी, ये इतनी सी दिख रही है ना आपको, ये इजिली ठीक नहीं होगी। बाकी मैं आपसे बहुत सारी बातें बाइक चलते चलते करता हूँ, तो गाइस चलते हैं देखते हैं अब क्या सीन रहता है, ये ठीक हो पाता है या नहीं हो पाता है। भाई साथ में अपनी आरसी कोल्ड स्टार्ट भी होगी, तो भाई ये देख के ना भाई मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ये चीज़ें, 1 2 3 ये काफ़ी गंदी है, अब मैं इसको सबसे पहले वॉश करवाऊँगा, तो बाकी उधमपुर में जाके देखते हैं क्या सीन रहता है। तो भाई यार बात पता क्या ना, एक्चुअली कल मैं गया था उधमपुर, मैं गया था गाड़ी लेके, तो मैंने बाइक पार्क कर दी रोड साइड, तो भाई एक्चुअली किया क्या बंदे ने मेरे को खुद नहीं पता है, मतलब कि चाबी के साथ किया या कैंची के साथ किया, लेकिन किया तो है कुछ गड़बड़ बंदे ने। तो भाई देखते हैं अब हो पाएगा कुछ इसका ठीक है नहीं हो पाएगा। तो भाई यार अगर कुछ भी बात होती है ना भाई मुंह पे किया करो यार, पीठ पीछे भाई चल ठीक है क्या ही हो जाएगा भाई, उसका ये सब ये करने से उसका क्या ही ठीक हो जाएगा हैं, उनको खुद भी मतलब इतनी समझ होनी चाहिए भाई। ऐसी चीज़ है ना बड़ी मुश्किल से ली है मैंने यार, बड़ी मेहनत से मैंने ये ली हुई है भाई, मैंने अपनी बड़ी मुश्किल से बाइक ली थी, पर जब भी इस पर कोई मतलब ऐसे लगता है तो भाई दिल से बुरा तो लगता ही है यार, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा लगा एक्चुअली, मतलब कि यार मैंने उम्मीद ही नहीं भाई, मैंने सोचा कीचड़ लगा है मैं इसको साफ़ करता हूँ, बट जैसे मैं इसको साफ़ करने लगा भाई देखा तो ये तो मतलब निकल ही गया। तो चल ठीक है यार, जिसने भी किया भाई अगर मेरी वीडियो देख रहा है भाई तू खुश रहा यार, तेरे को खुशी मिली ना ये करके भाई तू खुश रहा, मेरा कोई नहीं है, मैं कर दूंगा भाई जैसे जैसे होगा ठीक ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, बट तू खुश रहना चाहिए यार, जिसने भी ये काम किया ना अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई अगर कुछ भी बात होती तो मुँह पर बोलता, बाइक से क्या दुश्मनी दे रही थी हैं, बाइक से क्या दुश्मनी, तू मेरे को बोलता मुँह पर कि ये सीन है। तो भाई अभी चलते हैं सीधा कुनाला, वहाँ पर करते हैं अपनी आरसी को वॉश, और साथ में कुछ मतलब उधमपुर जाना भी है वो भी देखूंगा कि इसको कुछ हो पाता है ठीक है नहीं हो पाता, देखते हैं क्या सीन रहता है। तो वहाँ पे देख के मैं जाऊँगा सीधा उधमपुर, अगर हो पाई उधमपुर ठीक है, तो भाई एक दिन जम्मू तो पक्का जाना पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई इसका। तो भाई अभी चलते हैं यार, खींचते हैं अपनी आरसी को थोड़ा भगाते हैं। ओ भाई बिल्ली भाई पावर बहुत है यार, अल्टीमेट पावर है भाई अपनी आरसी, बहुत बुरा लगता है देख के बट क्या ही करूं, चल देखते हैं भाई जो भी होगा ठीक तो करवानी है यार, जान है अपनी। सो भाई फाइनली करवा रहे हैं अब इसको वॉश, इधर गोल मेले में आके, तो उसके बाद निकलते हैं सिटी की तरफ। निकलते हैं ऊपर दुमेल वाली साइड फुल पावर, तो उधर जाके करते हैं इसका पता भाई, जो भी इसको स्क्रैच जो भी डेंटिंग है जो भी इसको पेंटिंग सिस्टम हुआ तो वो करते हैं ऊपर दमेल में जाके पता, सबसे पहले करवाते हैं वॉश फिर निकलते हैं फुली पावर, लेट्स सी। तो भाई फाइनली बाइक वॉश करवा दी और बाइक वॉश करवा के निकल रहे हैं अब सिटी की तरफ, देखते हैं क्या सीन रहता है भाई। सबसे पहले मेरे को दमेल जाना है, दमेल में देखूंगा क्या सीन रहता है भाई, भाई कहाँ जा रहा है, तो सबसे पहले दमेल जाना है उसको भैया से पता करते हैं, और होगा थोड़ा बहुत ठीक है नहीं तो मेरे को पता है यार इधर कोई सीन नहीं होगा, होगा भी तो रैपिंग का ही होगा, थोड़ा बहुत टेपिंग वगैरह हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। तो भाई लेट ना करते हुए निकलते हैं जब सिटी की हो, तो भाई ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई यार,
भाई अभी ना मेरे को जल्दी से जल्दी माइक परचेज करनी है यार, बस उसके बाद देखते हैं क्या तबाही होने वाली है। तो एक माइक और देखते हैं, दो तो मंगवा ली, वो तो सपोर्ट नहीं करी, तो अब देखते हैं क्या सीन रहता है भाई। तो भाई अभी कर दिया मैंने हाल, मेरे का शीशा डाउन भाई, आवाज़ में थोड़ी दिक्कत और हो जाएगी। चाचा हमारे साथ कहाँ पे, कहाँ पे नहीं है पब्लिक प्लेस। हेलो भैया, वो कर वो कहाँ पे? सो भाई फाइनली जो ये सीन था ना, तो भैया बोल रहे हैं इसको कुछ करते हैं, तो अब आए हैं भैया के पास, अब देखते हैं भैया कितना टाइम लगाते हैं। भैया कर रहे हैं पहले एक पल्सर को, तो उसके बाद करवाएंगे अपनी आरसी को, तो फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। सो भाई फाइनली ना हम इस पे थोड़े से स्टिकर लगवा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ना एक्चुअली पेंट का तो यहाँ पे दिक्कत ही होगी, उधमपुर में तो होगा नहीं पॉसिबल, कभी जम्मू जाएंगे तो वहाँ से सेट करवा देंगे। तो अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टिकर लगवा देते हैं, थोड़ा बहुत सूट भी कर जाए, तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, पहले ये वाला तो हो जाए सेट। तो भैया फाइनली अब लगा रहे हैं कुछ इस पे स्टिकर, चेक करो। हाँ भाई सूट भी कर रहा है, तो थोड़ा बहुत चलो ठीक है, नहीं इतना अभी स्टिकर की वजह से दिखेगा नहीं, स्टार भी भैया ने छोटे छोटे किए यार, तो अच्छा मैच ही हो गया। तो अब देखेंगे उसके फिर कभी जम्मू जाएंगे तो वहाँ से सेट होगा पॉसिबल, तो मेरे को लग रहा नहीं होगा ये, बट देखते हैं क्या सीन रहता है। अब जैसे स्टिकर लगवाते हैं तो आगे का देखते हैं फिर अब। सो भाई फाइनली भैया ने स्टिकर लगवा दिए तीनों, यहाँ पे तीन स्टार लगा दिए भाई, अभी तो मतलब कोई गौर से देखेगा तो ही दिखेगा, वरना ऐसे तो दिख रहा ही नहीं है कि कुछ हुआ था यहाँ पे। और जब कफे का भी टाइम मिला ना तो भाई इसको पक्का सेट करवाना है, तो बाकी देखते हैं भाई। भाई जिसने ये काम किया था ना भाई, उसका परिवार खुश रहे यार, अगर बूढ़ा है तो बच्चे खुश रहे, अगर लड़का है तो भाई खुद खुश रहे यार, और अपने घर वालों को ऐसे ही खुशी दे जैसे मेरे को दी ना, तो उस घर वालों को भी ऐसी खुशी देगा वो। सो कोई सीन नहीं भाई, ये सब चलता रहता है, तो अब करते हैं जल्दी से आगे से रैप इसको, तो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई फाइनली एक साइड का रैप हो गया डन, अब भाई कर रहे हैं दूसरी साइड, तो जैसे ही दूसरी साइड भी कंप्लीट होता है फिर दिखाता हूँ आपको इसकी लास्ट लुक कैसी निकलती है। तो बाकी स्टार भाई एकदम अच्छे लग रहे हैं, तो जैसे वो साइड से भी रेडी होती है तो फिर दिखाता हूँ आपको। सो भाई फाइनली अपना रैप डन हो गया, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और जो पार्ट है वो मैंने भैया से मंगवाया छोटा सा ही है, तो वो भी मंगवा दिया है, सब ओके हो गया, ये भी स्टार भी अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस अभी करते हैं भैया को पेमेंट और निकलते हैं यहाँ से फुल पावर घर की ओर, तो देखते हैं आप आगे क्या करना है, अभी कुछ काम भी नहीं है मेरे को फिलहाल। तो भाई फाइनली ना अपनी बाइक का रैप जो है कंप्लीट हो चुका है, तो अपनी बाइक मतलब एकदम मुख्य रिपोर्ट हो चुकी है, जो बंदे ने वो डाला ना स्टिकर से, तो वहाँ पे मैंने स्टार का स्टिकर लगवा दिया, तो वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं क्या सीन रहता है, अब चलते हैं घर की ओर, तो देखते हैं रास्ते में मिलते हैं आपसे। तो भाई फाइनली सारा काम करवा के, ये स्टार वगैरह डलवा के और जो भी छोटे मोटे काम थे सब काम खत्म करके अब जा रहा हूँ मैं घर की ओर। तो भाई आज का ब्लॉग ठीक रहा भाई, इतना भी ठीक नहीं रहा, मैं समझ सकता हूँ मेरे लिए कैसा दिन रहा आज। अब कर की और करते हैं आज के ब्लॉग को ही, इवेंट मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके मत जाना, बाय बाय।